उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सैकड़ों निसंतान दंपतियों को माता पिता बनने का मिल रहा है सुख। आपको बताते चले कि अर्क नंबर 4 अस्पताल एवं डॉक्टर कविता IVF सेंटर में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि हमारे IVF सेंटर पर अब तक हजारों निसंतान दंपतियों को माता पिता बनने का सुख मिल चुका है और उनके बच्चे हमारे एक्सीडेंटल फैमिली हैं। आजकल की व्यवस्था में एक दूसरे का हालचाल नहीं मिल पाता, ऐसे में उनके लिए मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर SC शर्मा द्वारा किया गया। दूर दूर से आए लोगों ने डॉक्टर कविता शर्मा से अपना अनुभव शेयर किया। इसके बाद केक कटिंग सेरेमनी की गई और फिर बच्चों को उपहार आदि दिए गए। अंत में डॉक्टर कविता ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। काम्या जेटली। काम्या जेटली, कितने समय बाद आपके बच्चे हुए थे और क्या क्या परेशानियां हुई आपके लिए? 17 साल बाद हुए थे जी। तो ट्रीटमेंट यहीं से कराया था तो फायदा हुआ। कितने आपको यहाँ से? 3। ये जानकारी किसने दी यहाँ के द्वारा कि यहाँ के आप यहाँ से ट्रीटमेंट कराए? पेपर में पढ़ा था। परिवार सब ठीक है? बहुत अच्छा। आज आपको सम्मानित करा गया है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशी है। कहाँ से आई हैं? मैं सनराइज कॉलोनी से आई हूँ, यहीं बरेली से। आपके कितने बच्चे हुए थे? मेरे 3 बच्चे हुए थे, उसमें से प्री मैच्योरिटी हो गया था तीनों, उसमें से 2 एक्सपायर हो गए थे, बेबी बचे। आज आपको बुलाया गया है। जी सम्मानित करा जा रहा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे भी मैं काफ़ी 14 साल के बाद मेरे ये बच्चे हुए थे और मेरे पहले बहुत जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया था तो कहीं सक्सेस नहीं मिल रही थी। ये जानकारी किस तरह से मिली आपको? मुझे किसी ने बोला था कि आप एक बार यहाँ पर दिखा कर देख लीजिए, वैसे मैम का नाम भी बहुत है और न्यूज़ में भी आता है, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने लगातार यहाँ पर 4 साल अपना ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद जाकर मुझको सफलता मिली। मैं डॉक्टर कविता शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ। आज का कार्यक्रम बेसिकली मेरी एक्सटेंडेड फैमिली का है, ये सब मेरे ही बच्चे हैं जो आज आए। पिछले साल कोविड की वजह से नहीं आ पाए थे, तो जितने हमारे लास्ट ईयर और इस साल का जो गेट टुगेदर है वो आज है और आई एम मदर टू ऑल ऑफ देम, मैं इन सब बच्चों की माँ हूँ। सो बेसिकली एक मुलाकात का बहाना था, ईश्वर की कृपा है, हार्ड वर्क, मेहनत, फोकस, लगन कैसे कामयाबी दिलाती है पेशेंट्स को भी और डॉक्टर को भी, ये बेसिकली किसी का उदाहरण है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट प्रेम, दिल से जुड़ना। जब आप एक डॉक्टर के ऊपर होके अपने पेशेंटों को इंसानियत की नज़र से देखते हैं कि वो किस दुख में है, किस तकलीफ में है, आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। बेसिकली आज का प्रोग्राम सिर्फ एक दिल से दिल के मिलने का प्रोग्राम है, इट इज़ नथिंग एल्स। कोई और मेरा मकसद नहीं था एट ऑल और ना है, सिवाय इसके कि मैं उन सबसे वापस मिल लूँ जिनसे वैसे यूजली डे टू डे में मुलाकात का मौका नहीं मिल पाता है, सब व्यस्त होते हैं, हम भी व्यस्त होते हैं। तो ये एक मौका था कि जो बच्चे यहाँ से गए हैं, जो मेरे दिल का हिस्सा हैं, वो वापस आके कभी हम सब एक दूसरे से मिल लें। और ये सिर्फ एक ही बात का मैं चाहती हूँ कि जाए मैसेज, वो ये जाए कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपका हर कदम नेक होता है, सही होता है, ईमानदार होता है। एज अ डॉक्टर एक डिफरेंट चीज़ हो गई, बट जब आप एक दिल से इंसानियत को डॉक्टरी में शामिल कर लेते हैं तो कैसा मिरेकल होता है वो है जो बाहर है। वो बेसिकली डॉक्टरी का मिरेकल नहीं है, वो आप सब भी समझ सकते हैं, वो डॉक्टरी का दिल से जब प्रेम के साथ डॉक्टरी की जाती है उसका मिरेकल है। सो दैट इज़ ऑल, आज का दिन सिर्फ इसी चीज़ के लिए आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से कार्यक्रम मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है? केक काटा जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली बर्थडे एक तरीके से हम सभी की है, बिकॉज हर दिन कुछ नया सिखाता है। और बच्चों का पूरा चेकअप, किसको क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या पेरेंट्स क्या शेयर करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो पूरा पीडियाट्रिक कंसल्टेशन है उनका। पूरा लंच का कार्यक्रम है, बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाएंगे, पेरेंट्स से मुलाकात होगी, कोई पेरेंट्स अपना कुछ शायरी या गाना या हुनर
बिकॉज आज तक तो हम डॉक्टरी करते थे, बट आज का दिन डॉक्टरी के ऊपर है. लेट अस सी कि वो लोग क्या करते हैं. कितनी फैमिलीज